कर्मचारियों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ा अपडेट निकल कर आया है, तो उसी अपडेट के बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। तो जी दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुराने पेंशन में शामिल होने का विकल्प सरकार द्वारा दिया गया था। तो इसके लिए सरकार द्वारा कहा गया था कि उनको जो उनके आवेदन 31 मई 2020 तक जमा करने हैं। तो जी दोस्तों, बहुत सारे कर्मचारियों ने जो उनके आवेदन उनके ऑफिस में जो जमा किए है, उसके बाद जो कर्मचारियों के कुछ सवाल थे, तो उन सवालों के ऊपर सरकार द्वारा जो जवाब दिया गया है, तो उसी के बारे में जो अपडेट निकल कर आया है, तो उसके बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो जी, अगर आपने भी पुरानी पेंशन के लिए आवेदन किया है, तो सरकार द्वारा कर्मचारियों के सवाल के ऊपर ये जो जवाब दिए गए हैं, तो उसके बारे में आप सभी को पता चल सके। और इसी तरह के अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है, उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए, तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ये जो बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल कर आई है, तो इसके तहत बताया गया है कि पुरानी पेंशन योजना का लाभ पाने के लिए सरकार ने बनाए ये नियम। तो जी दोस्तों, पुरानी पेंशन के लिए अगर आपने भी आवेदन किया है, तो सरकार द्वारा ये जो नियम यहाँ पर जारी किए गए हैं, तो इसको जानना आपको बहुत ही जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो अपडेट है, तो इसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी लेते हैं। तो जी दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह काम का वीडियो है। विभिन्न केंद्रीय विभागों एवं मंत्रालयों में पदस्थ कर्मचारी अब चाहे तो न्यू पेंशन स्कीम को छोड़कर ओल्ड पेंशन स्कीम यानी पुरानी पेंशन स्कीम में शामिल हो सकते हैं। इस साल फरवरी में सरकार ने यह स्पष्ट करते हुए कर्मचारियों से आवेदन आमंत्रित किए थे। इसके लिए बकायदा 31 मई तक का समय भी दिया गया था। इस दौरान कई मंत्रालयों के विभागों के कर्मचारियों ने आवेदन भेजे, लेकिन कई प्रकार के सवाल सरकार के सामने आए। इनमें अलग अलग प्रकरणों एवं परिस्थितियों का हवाला देते हुए पूछा गया था कि उनके आवेदनों पर विचार होगा या नहीं। अब सरकार ने सभी पर स्पष्टीकरण दिया है। तो अभी हम ये जो कर्मचारियों द्वारा सवाल पूछे गए हैं, तो वो कौन से थे, तो उसके बारे में सरकार द्वारा जो स्पष्टीकरण दिया गया है, तो वो भी अभी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो जो कर्मचारियों ने सवाल पूछे थे कि जिन लोगों ने 1 जनवरी 2004 के बाद ज्वाइनिंग दी है, लेकिन उनकी भर्ती से जुड़ी प्रक्रिया स्थिति से पहले ही संपन्न हो चुकी थी, इसके बाद उन्होंने नौकरी ज्वाइन करते हुए नियमानुसार अन्य विभाग में ज्वाइनिंग दी, यानी कर्मचारियों ने अपने पहले विभाग की अनुमति से दूसरी ज्वाइनिंग दी, ऐसे में क्या उनके ओपीएस में शामिल होने के आवेदन को मान्य किया जाएगा। इस पर डीओपीटी यानी कार्मिक प्रशिक्षण विभाग ने कहा है कि यदि कर्मचारियों ने शासन के नियम के अनुसार विभाग बदला है, तो ऐसे में उनका आवेदन स्वीकृत किया जाएगा। विभाग इस पर फैसला करेगा कि उनका आवेदन आगे भेजा जाएगा अथवा नहीं, क्योंकि यह यहाँ देखा जाएगा कि आवेदन करते समय सारे मानदंड को पूरा किया गया है या नहीं। इन मामलों में पुराने विभाग की पेंशन एवं ग्रेजुएटी आदि के बारे में क्या तय किया जाएगा और संबंधित विभाग की समिति की इस बारे में क्या गाइडलाइन है। ऐसा भी सवाल सामने आया कि मृत कर्मचारी के परिजन आवेदन करते हैं, तो क्या उस पर विचार होगा। इस पर भी विभागीय समिति का फैसला मान्य होगा। इसी प्रकार सहानुभूति या अनुकंपा आधार पर प्राप्त नौकरी पर कर्मचारी आवेदन करता है, तो उस आवेदन का क्या होगा। हालांकि विभाग का कहना है कि ऐसे मामलों में आधारभूत मानदंड ही माने जाएंगे। भले ही कर्मचारी ने 1 जनवरी 2004 के बाद ज्वाइनिंग दी हो, लेकिन उसके सिलेक्शन से संबंधित तमाम कार्रवाई 31 दिसंबर 2003 से अथवा इससे पहले संपूर्ण हो गई हो, इन मामलों पर स्क्रीनिंग अथवा सिलेक्शन कमेटी सिफारिश कर सकती है। इस संबंध में विभागों मंत्रालय से कहा गया है कि वे इस प्रकार के प्रकरण से अवगत कराए, ताकि उनका निराकरण किया जा सके। जिन कर्मचारियों के कागजात पूरे पाए जाएंगे, उनके मामलों को सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन नियम 1972 के अंतर्गत लाया जाएगा। इसे लेकर आगामी 30 सितंबर 2020 को केंद्र सरकार अंतिम आदेश जारी करेगी। इसके बाद जो भी कर्मचारी एनपीएस से ओपीएस में शामिल हो जाएंगे, उनका एनपीएस अकाउंट 1 नवंबर 2020 से हमेशा के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा। तो जय दोस्तों, पुरानी पेंशन में शामिल होने के लिए यहाँ पर सरकार द्वारा जो बेसिक नियम जारी किए गए हैं, तो उसे अभी हम जान लेते हैं। पुरानी पेंशन योजना का लाभ केवल वो ही कर्मचारी ले सकेंगे जिनकी भर्ती प्रक्रिया 1 जनवरी 2004 से पहले पूर्ण हो चुकी थी, लेकिन वे किन्हीं कारणों से ज्वाइनिंग नहीं दे सके। इनमें से अधिकांश कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें पुरानी पेंशन व्यवस्था में जोड़ा जाए। हालांकि केंद्र सरकार ने भी इनकी मांगों को मानते हुए अभी ने एनपीएस के दायरे से निकालकर ओपीएस में शामिल होने का मौका दिया है। इस मांग को लेकर कर्मचारी संगठन अक्सर आंदोलनरत रहे हैं और सरकार को ज्ञापन देते रहे।
कुछ कर्मचारियों ने तो इस मामले में कोर्ट का भी रुख अपनाया था। केंद्र सरकार ने गत फरवरी में यह तय किया था कि कर्मचारीगण पुरानी पेंशन व्यवस्था में शामिल होने के लिए बकायदा आवेदन दे सकते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों ने गत 31 मई 2020 तक अपनी तरफ से आवेदन भी दे दिया था। तो यह दोस्तों यहाँ पर ये जो कर्मचारियों द्वारा सवाल पूछे गए थे तो उन्हीं के ऊपर सरकार द्वारा जो जवाब दिया गया है तो उसके बारे में जो है अभी हम इस वीडियो में जानकारी ली। तो यह दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा ये जो कर्मचारियों द्वारा सवाल पूछे गए थे तो इनके ऊपर इस लेटर के माध्यम से जो है वो अपने जवाब जो है यहाँ पर दिए गए, जिसमें यहाँ पर कहा गया है पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग के दिनांक 17 फरवरी 2020 के कार्यालय ज्ञापन के संदर्भ में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर केंद्रीय सिविल पेंशन नियमावली 1972 के तहत कवरेज स्पष्टीकरण के संबंध में। तो यह दोस्तों यहाँ पर जो जो मुद्दे उठाए गए थे कर्मचारियों द्वारा तो उसके ऊपर सरकार द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया है। तो इसके लिए ये जो लेटर आप आपके स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो इसका लिंक भी मैंने आपके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। तो उस लिंक पर क्लिक करके ये जो सरकार द्वारा लेटर यहाँ पर जारी किया गया था तो उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जी दोस्तों लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको ये जो पीडीएफ कॉपी है तो वो डाउनलोड हो जाएगी, जिसमें आप इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो जी दोस्तों यहाँ पर जो जो मुद्दे उठाए गए थे तो उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है, साथ में सरकार द्वारा यहाँ पर जो स्पष्टीकरण दिया गया है तो वो भी यहाँ पर जो है वो दिया हुआ है। तो जी दोस्तों आज के इस वीडियो में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ये जो बड़ा अपडेट निकल कर आया था तो उसी अपडेट के बारे में अभी मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।